दोनों हाथ जोड़कर पवित्र ओम ध्वनि के उद्घोष के साथ परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करें। जिससे जितना बन पाए योगी जोगी के सूर्य नमस्कार की दंड बैठक आसन अथवा प्राणायाम की तीव्र अभ्यासों से एक बार पसीना बहाना ही है, ये रोज की दिनचर्या है। और पसीना बहाना है, पसीने में नहाना है, योग में कोई बहाना नहीं बनाता। आज तो मेरा शरीर ठीक नहीं लग रहा है, आज तो मेरा मन ठीक नहीं, ना ऐसा सोच रही है। भार को भार अनख आलस नाम जपत योग करत मंगल दिशि दस। योगाभ्यास योगिक जोगिंग धीरे धीरे मध्यम गति से तीव्र गति से अपने शक्ति अपने सामर्थ्य के अनुरूप सारे अभ्यास करना, और जब तक ऐसे पसीना चूने न लग जाए तब तक लगे रहना वेग। इंटीग्रेटेड योगाभ्यास योगिक व्यायाम आसन प्राणायाम ध्यान बंध मुद्रा योग यजन भजन कीर्तन सत्संग साध्यास एक साथ योग के श्रेष्ठ सात्विक आध्यात्मिक सनातन सार्वभौमिक वैज्ञानिक सर्वहितकारी सत्यों का अभ्यास समग्र योगाभ्यास एक बहुत बड़ा तत्व है। इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस जिसमें ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग अष्टांग योग लय योग मंत्र योग हठ योग योग दर्शन का प्रथम अध्याय है। समाधि योग से लेके साधन योग विभूति योग कैवल्य प्रतिप्रसव योग जिससे जितना बन पाए ऐसे करना। सूर्य नमस्कार करते हैं हमारे सारे सन्यासी लयबद्ध होकर के सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं जिनको लंबा सूर्य नमस्कार करना है। तो ये दो बड़े तत्व कहे ये तो रोज ही कहता पसीने में नहाना और फिर समग्र योगाभ्यास इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस करते जाना है अपने सामर्थ्य के। आज दो और बड़े तत्व हैं योग का वस्तुनिष्ठ भौतिक सत्य तत्व और योग का पारमार्थिक अदृष्ट अमूर्त आध्यात्मिक तत्व आध्यात्मिक सत्य। पूरा संसार कर्म पर आधारित है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस कर ही सोता ही फल चाखा। अपने अपने अभ्यास पूरे कर लीजिए। कर्म फल व्यवस्था भी बहुत ऊंची है, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं और इसी पुरुषार्थ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय जीवन के सारे तत्व जीवन के सारे सत्य जीवन की सारी उपलब्धियां हम किस
हालात में है, हमारे सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान सबका हेतु हमारा कर्म हमारा पुरुषार्थ है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप सामान्य मध्यम या तीव्र गति से योगिक जोगी सूर्य नमस्कार दंड बैठक सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम आदि का अभ्यास एक अनुष्ठान के तहत अभी मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया, जरा इसको गौर से सुनना। योग का भौतिक वस्तुनिष्ठ सत्य, योग का अभौतिक पारमार्थिक आध्यात्मिक सत्य तत्व। तो जो करेंगे उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। चलो अब ये सब करना, एक शब्द मैंने बार बार प्रयोग किया है योग में, शरणागति के साथ, जब शरणागति के भाव के साथ आप ये योगाभ्यास करते, तो अभी आइए अपने चित्त को प्रसन्नता की स्थिति में लाइए। अधिकांश रोगों का 80-90 और कभी कभी तो 99% लोगों का चित्त प्रसन्नता की स्थिति में नहीं है। दो शब्द है योग के, एकाग्रता और प्रसन्नता। एकाग्रता प्रसन्नता ये दिव्यता की स्थिति। हम किस स्थिति में रहते हैं ज्यादातर? क्षिप्त मूड, विक्षिप्त अवस्था, उसे अपने आप को उभारो। एकाग्रता में, प्रसन्नता में, दिव्यता में अपने आप को लाओ। और जैसे ही इस स्थिति में आते हैं वैसे ही हम योग के व्यवहारिक तत्व का अभ्यास करते हुए, भौतिक वस्तुनिष्ठ तत्व का अभ्यास करते हुए, ये व्यवहारिक भौतिक वस्तुनिष्ठ योगाभ्यास है जिसमें हम योगी योगी सूर्य नमस्कार आदि कर रहे हैं। और जब चित्त भगवान में लगा लिया, गुरु में भगवान में चित्त को लगा करके और अपनी सुध बुध भूल करके, गुणातीत भावातीत होकर के योग करते हैं, तो योग तो यही हो रहा है लेकिन इसका लाभ बहुत होता है, उसको आगे अभी। तो जिससे जितना बन पाए ये तो रोज ही करवा रहे हैं आपसे, योगी योगी करना भी है, बहुत जरूरी है। लेकिन ये सब करते हुए अपने चित्त को गुरु भगवान में लगाए, एकाग्र चित्त प्रसन्न चित्त होकर के देवत्व में प्रतिष्ठित होकर के योग निष्ठ आत्मनिष्ठ होकर गुरु निष्ठ होकर तत्वनिष्ठ होकर परात पर ब्रह्म में प्रतिष्ठित होकर के योग को एक अनुष्ठान की तरह कर। और जो अधिक न कर पाए वे सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही भी होगा। सहजता के साथ कीजिए व्यायाम, एकाग्र चित्त प्रसन्न चित्त होकर के पूरी दिव्यता में प्रतिष्ठित होकर के आत्मा अहम
शुद्धोऽहम् बुद्धोऽहम् नानकोऽहम् गौतमो कपिलोऽहम् कणादोऽहम् पाणिनिः पतञ्जलिरहम् सीताहम् लक्ष्मीहम् दुर्गा भवानी सरस्वती आत्माहम् मैं भगवान का भगवती का मूर्त साक्षात रामो हम कृष्ण हनुमत हम शिव ज्ञान ऐसे अपने आप को सदा उच्च भाव चेतना में हायर कॉन्शियसनेस में प्रतिष्ठित है तभी स्वभाव चेतना में आते हैं तब योग अध्यात्म के पारमार्थिक सत्यों से तत्वों से जुड़ जाते हैं तो ऐसे जिससे जितना बन पाए थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लेना खड़े होकर के बैठ करके शेष प्राणायाम ही करते रहना एक अनुष्ठान गुणातीत भावातीत त्रिगुणातीत ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मुख्य मूलं गुरुकृपा प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे अरुण छोड़ बड़ बोलन लागे अरुण छोड़ बड़ बोलन लागे प्रात काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माता मातु पिता गुरु नाम ही माता मातु पिता गुरु नाम ही माता मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी विनय विचार करिए शुभ जानी सुन जननी सुख सुत बड़ भागी पितु मात वचन अनुरागी जो पितु मात वचन अनुरागी ओ बंदो गुरु पद पदुम परागा बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमय पूर्णिमय तोरण चारु समन सकल भव रुज परिवार समन सकल भव रुज परिवार श्री गुरु पद नगर निगन ज्योति सुमिरत दीप्य दृष्टिय होति चरण मोहकम सो सुप्रकाशो बड़े भाग उर आवहि जासु बड़े भाग उर जासु Thank you.
बैठ जाओ और बैठ करके जिनसे जितना बन पाए जो कर सके वो तो मेरे साथ दंड का अभ्यास करने लगे। शेष भुजंगासन कर ऐसे लयबद्ध होकर के। भुजंगासन कितनी बार करने के लिए कहा था आपसे? कल ही तो बोला था भुजंगासन 100 बार करना। कितनी बार करना बोलो? 100 बार तक भुजंगासन का अभ्यास करो। अब देखो जरा एक एक शब्द को शब्द ब्रह्म मान करके सुनना। अब 100 बार आपने ये भुजंगासन कर लिया से पैर पीछे मिले हुए एड़िया पंजे मिले हुए हथेली पर हथेली राम नाम का कृष्ण नाम हनुमान शिव नाम का ओम नाम का जप करते हुए ये तो नाम भेद है तत्व भेद नहीं है इसमें भी। हे रा जग में साचो तेरो राम कहो ओम कहो ओंकार कहो कृष्ण कहो हनुमान कहो शिव कहो ब्रह्मा कहो विष्णु कहो मूलतः ब्रह्मा मध्यतः विष्णु अभिमुखतः शिव। ऐसे होले होले करो। अब तुम थोड़ा सा करते हो फिर छोड़ देते हो। ऐसे नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे मैंने कहा था 10-10 बार करके 2-3 राउंड तो पहले दिन कर सकते हो और फिर 2-2 राउंड बढ़ाते चले गए। 10 बार किया ऐसे और फिर थोड़ा रुक गए। रुकने में भी मकरासन भुजंगासन के बाद मकरासन सलभासन कर लिया। थोड़ा ज्यादा ही थक गए तो 5 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए ऐसे एड़िया अंदर पंजे बाहर श्वासों पर ध्यान दिया फिर पूरी ऊर्जा से आप्लावित हो जाते हैं। सो बार तक आपने भुजंगासन कर लिया तो 100 साल तक आप बूढ़े नहीं होंगे। लो 100 साल स्वस्थ जीवन जीने की गारंटी है। 100 साल तक कमर नहीं झुकेगी। 100 साल तक आपको ब्रेन नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्ट्रक्चरल इंबैलेंस नहीं होगा। इम्यूनिटी लो नहीं होगी। एक एक अभ्यास की ऐसी महिमा है। योग के एक एक व्यायाम की आसन की प्राणायाम की ध्यान की बंध की मुद्रा की आयुर्वेद की एक एक जड़ी बूटी वनस्पति औषधि की पंचकर्मा षटकर्मा की एक एक थेरापी की इतनी बड़ी महिमा है। ऐसे भुजंगासन 100 बार कर लेना। अब आप धीरे धीरे करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। जिनका अब हमारी तरह से अभ्यास है उनको तो 1.5 से 2 मिनट लगेगा। से और जिनका तीव्र अभ्यास है पीछे से भी उठा लिया और ऐसे ऐसे फास्ट कर लिया मध्यम गति से तीव्र गति से बीच में ऐसे कर लिया।
मन ही मन ओ नमः शिवाय, ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, ब्रह्मणे नमः, विष्णवे नमः, ओम श्री सच्चिदानंदाय परमात्मने नमः, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यजाणम, ओम नमो वच्छायाणम, ओम नमो रोय सबसा, ओम तत्सत, हरि ही ओम। ऐसे ओम ओम का जप करते हुए, राम नाम, कृष्ण हनुमत नाम का, शिव नाम का जप करते हुए, नमोकार मंत्र का, ओंकार मंत्र का जप करते हुए, अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह थोड़ा लंबे करना, तो अपने कर्म में, अपने पुरुषार्थ में कोई कसर मसर मत छोड़ना, कर्म का कोई विकल्प नहीं है, कर्म के बाद कृपा शुरू होती है, पहले कर्म फिर कृपा, कृपा पात्र वही होता है जो कर्म करके अपना उत्तरदायित्व तो पूरा कर लेता है, आगे उस कर्म का प्रतिफल कितना गुना मिलेगा ये भगवान की एक भौतिक व्यवहारिक कर्मफल न्याय व्यवस्था है, ये व्यवहारिक सत्य है, सांसारिक सत्य है। एक उस कर्म का पारमार्थिक सत्य है, अभौतिक सत्य, आध्यात्मिक सत्य। आज इसी पर आपसे बात करने वाला, इसलिए मैंने कहा था यो एकाग्रता और प्रसन्नता से कुछ अनमने मन से ही योग करते रहते हैं, योग अनमने मन से नहीं करना, कैसे करना, मन मना हो करके करना, अनमने होकर के नहीं, मन मना भव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरो मामेवेशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। ये मन रूपी मणि को कहां लगा के रखना, मैंने पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी का एक भजन कहो या उनके दोहे कहो या उनका जीवन का जो सार है वो कहो, मन मणि का कमठान, चलो आज सुनाते हैं आपको। पूज्य साध्वी हमारी बहन देवप्रिया जी बोली, गुरु जी वो दोबारा सुनाओ ना, इस मन को गुरु में भगवान में कैसे लगा के रखना, इस मन रूपी मणि का कमनीय स्थान क्या है, ठान क्या है, ठोर ठिकाना क्या है, गंतव्य क्या है। लंबे लंबे श्वासों के साथ, एक तो ये तरीका है, ऐसे होले होले एक तीव्रता से, लेकिन इसमें देखो पूरी कोहनिया सीधी करना, ऐसे पूरा कर सके तो आप ऐसे कर लेना, लेकिन इसमें घोटाला मत करना। एक हमारा चेला सन्यासी लगा हुआ ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे एक इंच उठा रहा और नाटक कर रहा है, इसको कहते हैं घोटाला। ये हो गया व्यायाम में भी घोटाला, आजकल बहुत घोटालों की चर्चा, जो करो उसको पूरा करो, पूर्णमदाह
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब देखो जिनसे इतना नहीं हो पा रहा है बैठो, कुछ तो ऐसे ही लटरपटर हो रखे। 100 बार ये करो और ये भी नहीं किया ना फिर तुम्हारी कोई गति नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा, फिर दुर्गति हो तो बिना गति के। लंबे लंबे श्वासों के साथ अपने चित्त को एकाग्रता में प्रसन्नता में लेकर जाओ। फिर से क्या होता है, जो लाभ जो उपलब्धि आप कहते हो कि वर्षों में या जन्म जन्मांतरों में होती है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यदताम् अपि सिद्धानाम् कश्चिन् माम वेति तत्वतः। तो हजारों लाखों करोड़ों में कोई एक इस परम तत्व की ओर मुड़ता है, बाकी तो बहुत ही जगत के क्षणिक सुखों में ही बस इधर उधर अटक भटक रहे हैं, लटक भटक रहे हैं। तो चलो जिससे जितना बन पाए 100 बार ये तो करो, और जो पूरा कर सकते हैं वे मेरे साथ पूरा कर लेना, लय के साथ करो, बीच में थक जाओ तो ये कर लेना, ये अलाउ के बीच में सिद्ध कोणासन चक्की आसन पश्चिमोत्तान आसन। अपने 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 सामर्थ्य के अनुरूप कर लेना, लेकिन रुकना मना है। सर्वागस संवर्ग सम पुण्य पर्व पवमान, सर्वागस संवर्ग सम पुण्य पर्व पवमान, निश्चय नीरव द्वारका मणि मणिका कमता, मणिका कमठा भूत भुवन भावी सिमट, भूत भुवन भावी सिमट, पल भर में अवसान, ऐसे काल अकाल में, ऐसे काल अकाल में मन मणिका, ऐसे कार्यकाल में मन मणिका कमता, निर्गुण निर्मल ज्योति की उज्ज्वल छाया जान, इस छाया की छांव में मणिका कमठान, इस छाया की चाह में मणिका उज्जवल। थोड़ा धीमे में ज्यादा तेज मत चल, और होले होले एक एक शब्द को सुनो धीरे धीरे, अपने अपने अभ्यास करते रहो, थोड़ी हिंदी भी आपकी परिष्कृत होगी, भाषा का बोध भी बढ़ेगा, भाषा बोध के साथ योग बोध अध्यात्म बोध भी बढ़ेगा, एकाग्रता आएगी चित्त में, प्रसन्नता आएगी। एक बालक बोला बोले बाबा जी मन को कैसे समझाए, मैंने कहा पहले तो ये समझ ले कि मन को समझाने की जरूरत, तो अपने आप को समझा, तू आत्मा है तू मन है ही नहीं, अपने आप को मन माना बैठा और मनमानी हो रही है, जरा समझो। लंबे लंबे सांसों के साथ अगम निगम दो ढरे संगम पद निर्वाण, संगम पद निर्वाण, त्रिवेणी के धाम में, त्रिवेणी के धाम में मणिमणिका कमठान,
त्रिवेणी के धाम में मण मणि का कमुना हृदय सिंधु मति सीप सम हृदय सिंधु मति सीप सम स्वाति करुण घन जान एक बूंद अशरण शरण मण मणि का कमठान एक बूंद अशरण शरण मण मणि का कमठान श्रद्धा भक्ति प्रेममय अमर धाम सोपान श्रद्धा भक्ति प्रेममय अमर धाम सोपान सहजशील सौरभ जहो सहजशील सौरभ मण मणि का कमुटा सहजशील सौरभ जहां मण मणि का कमुटा सगुण मात निर्विता सगुण मात निर्विता गुरुवर वेद निधान माता पिता और गुरु भगवान क्या है सुनो भी और करो भी तुम्हें तो काम दे रखा था मैंने अपना अपना वर्कआउट पूरा करो मैंने हार्ड वाला वर्क ले रखा हार्ड वर्क टास्क तुमको तो सर वाला ही दे रखा है कुछ तो इससे त्रिकोण आसन से बटरफ्लाई पर आ गए करो सगुण मात निर्विता गुरुवर वेद इनकी पावन शरण में मण मणि का कमठान इनकी पावन शरण में मण मणि का कमठान एक बिंदु में सिंधु जहां कण कण लखे महान एक बिंदु में सिंधु जहां कण कण लखे महान ऐसे सिमटे शून्य में ऐसे सिमटे शून्य में मण मणि का कमठान ऐसे सिमटे शून्य में मण मणि का कमठान दिन में सोया रात को सोते ही रहते हो दिन में भी सोए रहते हो जागृति में जागृति जागरण नहीं ईगो इग्नोरेंस इग्नोर करते रहे आत्मा को परमात्मा को परमात्मा के भगवान के विधान को विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसि इन्द्रस्य यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मने इस संसार के प्रति सम्यक दृष्टि रखो उदासीन तटस्थ दृष्टि रखो दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धों भी प्रत्यानुपश्य होकर के जीवो दिन में सोया सार है दिन में सोया सार है घोर निशा में भान घोर निशा में भान दिन में खोया सार है घोर निशा में भान घोर निशा में भान ऐसी चाल विचाल में ऐसी चाल विचाल में
मन मणिका कम ऐसी चाल विचाल में मन मणिका कम घर घर बौराया फिरे घर घर बौराया फिरे पड़ रही बाण कुबाण ये बाण कुबाण पड़ी हुई है कितना दान चल रही है संसार में जो करना चाहिए वो करते नहीं जो नहीं करना चाहिए उससे हटते नहीं फिर कह रहे बाबा जी बड़ा दुख पा रहे दुख पाने का तो काम ही कर रहे हैं जब बबूल के बीज बोए धतूरा के भांग के बीज बोए तो उसमें कोई आम लगेगा इसलिए साधु सावधान जिससे जितना बन पा रहा है करो मेरे साथ साथ दर जरा सुनो ये शब्द ब्रह्म है घर घर बौराया मेरे पड़ रही मान आंख पुतरिया में मिला मन मणिका कमला आंख पुतरिया में मिला मन मणिका कमला शून्य शांत संबोध में पुण्य पर्व पवमान शून्य शांत संबोध में पुण्य पर्व पवमान ऐसे शाश्वत धाम में ऐसे शाश्वत धाम में भाव तुला के पालने भाव तुला के पालने तुल रहा सकल जहान सम समता सम्मान में मन मणिका कमठान सम समता सम्मान में मन मणिका कमठान नाम रूप की माधुरी जाने संत सुजान जाने संत सुजान नाम जब तेरा अपना काम करते हो नाम जब होके रहते हो ये मार्ग है भक्ति का योग का धर्म का अध्यात्म का भगवान का हो नाम रूप की माधुरी जाने संत सुजान जाने संत सुजान इस गुण गौरव नाम में इस गुण गौरव नाम में मन मणिका कमठान इस गुण गौरव नाम में मन मणिका कमठान अपरम परम समंगहितो अपरम परम समंगहितो शरणागत के त्राण ऐसा अद्भुत आसरा मन मणिका कमठान ऐसा अद्भुत आसरा मन मणिका कमठान नाम रूप बिन सर्वमय निर्गुण गुण की निर्गुण गुण की सारे नाम रूप स्वरूप उसी परमेश्वर के और सब नाम रूप स्वरूपों से परे परात पर ब्रह्म वही है उसको पर ब्रह्म कहते और ये सारा जगत अपर ब्रह्म है सगुण साकार कहो निर्गुण निराकार कहो वह परम तत्व एक ही हम उस एक के एकत्व में उसके अस्तित्व में अपने अस्तित्व को विलीन करके सह अस्तित्व सामंजस्य में उसके साथ तन्मय तद्रूप एक रूप होकर के
इस योग का अनुष्ठान करें तो फिर कहां कोई व्याधि रहेगा, व्याधि से मुक्ति और समाधि की युक्ति। अपने अपने अभ्यास पूरे कर लो। मेरुदंड के लिए मरकटासन कर लो, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तान सेतु बंध और शेष पवन मुक्तासन उत्तान पादासन आदि कर लो। अपने अपने अभ्यास पूरे करो। नाम रूप बिन सर्व माया निर्गुण गुण की खा, निर्गुण गुण की खा, माया मैं करुणा भुवन, माया मैं करुणा भुवन, मन मन का गम माया मैं करुणा भुवन, मन मन का गम गिरी लांघे सागर तरे, लांघे सागर तरे, गुंगा करे स्वर लहरी के मूल में, मन मणिका कम स्वर लहरी के मूल में, मन मणिका कम अपनी वास सुवास को फूला फिरे अजान, अपनी वास सुवास को फूला फिरे अजान, जागर की यह महक है, जागर की यह महक है, मन मन का कम वह बेचे यह बिलगता, वह बेचे यह बिलगता, चल रही है चाता। ये कई बार मैंने कहा है, जरा गौर से सुनो एक एक शब्द को। वह खींचे यह बिलगता, चल रही खींचाता, ये जगत प्रभु ने आए उस प्रभु को भुलाने के लिए नहीं, यह जगत जगदीश्वर ने परमपिता परमेश्वर ने भुलाने के लिए नहीं बनाया, अपनी ओर बुलाने के लिए बनाया है। ये प्रभु का आमंत्रण है, ये संसार के क्षणिक सुख, कि हम परम सुख की ओर मुड़े तो सही, हम इसी में उलझ जाते हैं। इस खींचातान से बाहर निकलो मेरे भाई, ये बावरापन छोड़ो, ये बावलापन, ये पागलपन, ये अविवेक, ये मूर्खता, ये मूर्खता, इसको त्यागो, जागो। वह खेचे यह विलगता, चल रही है चाता, वह खेचे यह विलगता, चल रही है चाता, जिन देशों की यह खिंचन, जिन देशों की यह खिंचन, मन मन का कमठान, जिन देशों की यह खिंचन, मन मन का कमठान, जुग जुग मन भटक्यो फिरयो, जुग जुग मन भटक्यो फिरयो, नाम रूप अनजान, नैन फुतरिया में मिलो, मन मन का कम जान, नैन फुतरिया में मिलो, मन मन का कम जान। बैठ करके मंडू का आसन करो, मंडू का आसन हमारे पूज्य स्वामी आनंद देव जी आर्य देव जी भी योग मुद्रासन कर लेंगे, हमारे सारे सन्यासियों को भी, सब हमारे योगाचार्यों को भी हमने ऐसे प्रशिक्षित किया, योग पूरा हो जिसमें योगिक व्यायाम आसन प्राणायाम ध्यान हो रहे, और मेरे कहा योग यजन भजन कीर्तन, योग
वस्तुनिष्ठ और तत्वनिष्ठ सत्यों के समझ के साथ योग के व्यवहारिक पारमार्थिक आध्यात्मिक अमूर्त सत्यों की अनुभूति के साथ हो, जिसमें सब सब में स्वयं सत्य है तू संधान, सत्य है तू संधान, जिसमें सब सब में स्वयं सत्य है तू संधान, सत्य है तू संधान, दिल मिल रास रचाव में, दिल मिल रास रचाव में, मन मणिका कब था, दिल मिल रास रचाव में, मन मणिका कब था, रास रचा ब्रह्मांड में अपने अपने ठान, रास रचा ब्रह्मांड में अपने अपने ठान। भगवान की रास लीला क्या है? ये रास कोई विलास नहीं है जो भोगी लोग, तामसिक राजसिक लोग रास के नाम पर, रास लीला के नाम पर भोग विलास और तमाम तरह के अधार्मिक कृत्य करते रहते हैं। वो जरा सुने भगवान की रास लीला क्या है। विष्णु कर्माणि पश्यत युक्तम व्रतानि पस्पस इंद्रस्य युज्य सभा तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरात। अपने अपने अभ्यास पूरे करो, जिनसे पूरा हो पाए शीर्षासन सर्वांगासन तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं मंडूकासन ही कर लो, योग मुद्रासन ही कर लो, प्राणायाम ही कर लो, इसी से उद्धार हो जाए। और जरा भगवान के इस पूरे अस्तित्व को, पूरे योग धर्म अध्यात्म के इस पूरे ताने बाने को जरा समझो। जिसमें सब सब में स्वयं सत्य है तू संधान, सत्य है तू संधान, हिल मिल रास रचाओ में, हिल मिल रास रचाओ में, मण मणिका कम था, मिल रास रचाव में, मण मणिका कम था, रचा ब्रह्मांड में अपने अपने था, जिन हाथों यह दूर है मणिका कम था, जिन हाथों यह दूर है मणिका कम था, तीन पांच का सघन वन उलझा मन अंजान, और की तत्व है सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति प्रकृति महान महत्व अहंकार अहंकाराज पंचतन मात्राणि प्रकाश क्रिया स्थिति सीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। न इसको योग समझ में आता, न भोग न अपवर्ग, तीन से पांच, पांच से पच्चीस का ये पूरा ताना बाना है। इन सब के मूल में एक ब्रह्म ही है, मूल में भी वही है, मध्य में भी वही है, शिखर पर भी वही है, इधर उधर क्यों बिखर रहा है, क्यों अटका भटका पड़ा है, इधर उधर लटका पड़ा है। मंडूकासन योग मुद्रासन थोड़ा लंबा करो,
तीन पांच का सघन बन उलझा मन अनजान विश्व विटप के मूल में मणमणिका कमठान विश्व विटप के मूल में मणमणिका कमठान जंगल रंग में विहार मन उड़ता विंगे से उड़ा जंगल में विहार मन उड़ता विंगे से उड़ा थक थक जो शरण गए थक थक जो शरण गए मणमणिका कमठान थक थक जो शरणागत है मणमणिका कमठान काशी काबा में फिरा कण कण लीना शान काशी काबा में फिरा कण कण लीना छान अंतरपट की ओट में अंतरपट की ओट में मणमणिका कमठान अंतरपट की ओट में मणमणिका कमठान गूंगा पहरा बावला पाप पुण्य पाखान गूंगा पहरा बावला पाप पुण्य पाखान कृपा मेघ सब पर धरे कृपा मेघ सब पर धरे मणमणिका कमठान कृपा मेघ सब पर धरे मणमणिका कमठान गिरिगह्वर और सघन वन कण कण लीने चाँद दीन कुटे के कुंज में मणमणिका कमठान दीन कुटे के कुंज में मणमणिका कमठान ताल पात भागा फिरे मन बिन जान पिछा मन बिन जान पिछा ताल पात भागा फिरे मन बिन जान पिछा मन बिन जान पिछा सबके आदि मूल में सबके आदि मूल में मणमणिका कमठान सबके आदि मूल में मणमणिका कमठान अलख सुलख के मध्य में अलख सुलख के मध्य में निर्गुण सगुण विधान अलख सुलख के मध्य में निर्गुण सगुण विधान सुषमा सघन निकुंज में मणमणिका कमठान सुषमा सघन निकुंज में मणमणिका कमठान ओ सब जग हितकारी लगे धोखे की पहचान सब जग हितकारी लगे धोखे की पहचान ऐसी पावन
भूख में मन मन का घमंड, ऐसी भूख ऐसी तितिक्षा अभिक्षा मुमुक्षुत्व प्रभु दर्शन की तड़प और लगन होगी, तब तुम्हें क्षण क्षण में कण कण में उसी की अनुभूति हो। इसलिए विवेक वैराग्य षटक संपत्ति समदम उपरति इच्छा श्रद्धा समाधान मुमुक्षुत्व प्रभु दर्शन की अभिक्षा प्रभु अरवर सरवर संत जन सहजशील सुख तरवर सरवर संत जन सहजशील सुख धाम सार सिंधु के बिंदु में सार सिंधु के बिंदु में मन मन का कमठान सार सिंधु के बिंदु में मन मन का कमठान सगुण मात निर्गुण पिता सहचर पावन प्राण पूर्ण परमानंद में मन मन का कमठान पूर्ण परमानंद में मन मन का कमठान अन देखे तीखण लगे देखत होवे राम अन देखे तीखण लगे देखत होवे हाँ अलख सुलख परिधान में अलख सुलख परिधान में मन मन का कमठान अलख सुलख परिधान में मन मन का कमठान प्रेम गली अति साकरी प्रेम गली अति साकरी गुण निर्गुण सोपान नित नूतन निर्वाण में मन मन का कमठान नित नूतन निर्वाण में मन मन का कमठान तत देखा तत हो गया तत ही था तन्मान तत देखा तत हो गया तत ही था तन्मान तत्त्वमसी के धाम में तत्त्वमसी के धाम में मन मन का कमठान शून्य भीति पर चेत्र रंग शून्य भीति पर चेत्र रंग तनु बिन रचा जहां ऐसे अद्भुत अंग में मन मन का कमठान ऐसे अद्भुत अंग में मन मन का देखूं देखूं मत कहो देखूं देखूं जाऊं देखूं देखूं मत कहो देखूं देखूं जाऊं इस देखूं का देखना इस देखूं का देखना मन मन का कमठान दीन हुए दाता मिले भक्त हुए भगवान के सामने अकिंचनता सब कुछ करना ऐसे कि तुम ही कर रहे हो लेकिन अंतर में ये बोध रहे सब कुछ करने का ज्ञान सब कुछ करने की संवेदना भावना
सब कुछ करने का सामर्थ्य, घर परिवार बिजनेस व्यापार ये सारा संसार उसी प्रभु का बनाया हुआ। इसलिए ये अपने भीतर अकिंचनता का भाव, दीनता का भाव, एक प्रभु ही सर्वस्व है। इस भाव चेतना के साथ प्रतिपल जो जीते हैं उनके जीवन में फिर कोई अभाव नहीं होता। देखूं देखूं मत कहो इस देखूं का देखना मन मन का कमठान, इस देखूं का देखना मन मन का कमठान। दीन हुए दाता मिले, भक्त हुए भगवान, परहित पावन गंग में मन मन का कमठान, परहित पावन गंग में मन मन का कमठान। मोहक माया महल में आया मन मेहमान, मोहक माया महल में आया मन मेहमान, भेद खुला गुरु शरण में, भेद खुला गुरु शरण में मन मन का कमठान। गंग गोत्र जंगछार में, गंग गोत्र जंगछार में ढूंढत धीरे अजान, सखी सखरज निकुंज में मन मन का कमठान, सखी सखरज निकुंज में मन मन का कमठान। सत सलील मन मीन है, सत सलील मन मीन है, सहजशील पवमान, नित नूतन रस रास में, नित नूतन रस रास में मन मन का कमठान, नित नूतन रस रास में मन मन का कमठान, मन मन का कमठान, मन मन का कमठान, मन मन का कमठान, मन मन का सद्गुरुदेव भगवान। पूज्यपाद स्वामी सोमानंद जी महाराज की जय। आज से लगभग 40 वर्ष पहले पूज्य महाराज श्री का हमने दर्शन किया और उनकी संगत से जो उन्होंने हमको बोध दिया बारह हृदय में, हमसे पूछा बेटा संध्या उपासना करते हो? मैंने कहा महाराज जी करते हो। कितनी देर करते हो बेटा? 15 मिनट करते हैं गुरु जी। और फिर बोले फिर अपने पढ़ाई करते अपना काम करते। तो बोले बेटा 15 मिनट की संध्या तो ठीक है लेकिन हमेशा अपना चित्त भगवान में ही लगा के रखो और भगवान के नाते फिर सब काम करो। वो दिन है और आज का दिन है, ऐसे ही इस मार्ग पर चलते आ रहे हैं। चित्त हमेशा भगवान में लगा हुआ है, मन भगवान में लगा हुआ है और ये शरीर ये इंद्रियां ये मन ये बुद्धि ये ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान ये सारा ऐश्वर्य सारा सामर्थ्य तो सब सेवा के लिए, बस सेवा में लगा हुआ।
आप भी ऐसे ही कर, चित्त गुरु में, चित्त भगवान में लगा हुआ है, और फिर अपना योग धर्म के साथ जो जो अपना स्वधर्म है, जो स्त्री के शरीर में मातृ धर्म है आपका, स्त्री धर्म है, पत्नी धर्म है, आपका जो धर्म है, स्त्री धर्म है, पत्नी धर्म है, मातृ धर्म है, आप अपने पति के लिए पत्नी है, अपने बच्चों के लिए मां है, और मूलतः आप उस जगत माता का, भवानी भगवती का ही मूर्त स्वरूप है, यह कभी विस्मृत नहीं होना चाहिए। अपने मूल को कभी भूलना नहीं, अपना मूल स्वरूप हम सब भगवान भगवती के ही साक्षात नारायण के, हम लक्ष्मी नारायण के ही, उमा महेश्वर के ही, सीताराम के ही, भगवान भगवती के ही साक्षात विग्रह है, ये भूलना नहीं, ये योग की युक्ति है। चलो भस्त्रिका करो, अब 5 मिनट से पहले रुकना नहीं, आज पूज्य महाराज जी के ही 2-3 भजन सुनाते हैं, ये योग की युक्ति है। जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना। निर्भय चारु कूट विचरना, निर्भय चारु कूट विचरना, जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना ओ। प्राणायाम साथ साथ करना मेरे साथ साथ, गाने वाली सेवा हरि को दे रखिए, गाएगा आप मेरे साथ साथ, अखंड भजन चल रहा है, अखंड योग यजन चल रहा है। ओ कार्य वचन निर्मल मन रहना, ऐसे जीना जिंदगी में, इसलिए मैं कहता हूँ योग को करो और योग को जियो। कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना, हर पग पर कदम कदम हर क्षण में जागरूक जागरण विवेकशीलता। कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, ब्रह्म विहार विहरना ओ जोगी, जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना ओ। आदत आतुर संस्कृत सागर, पर दुख देख पिघलना ओ, आदत आतुर संस्कृत सागर, पर दुख देख पिघलना। पर हित रमण मरण सब जग हित, पर हित रमण मरण सब जग हित, ऐसी साध सुमरना ओ जोगी, जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना। पूरा श्वास लो, पूरा छोड़ो, भस्त्रिका भी पूरा, कपालभाती भी पूरा, योग भी पूरा, श्वास प्रश्वासों क्या होती से ये यजन भी पूरा, भजन भी पूरा, भाव भी पूरा, ज्ञान भी पूरा, भक्ति भी पूरी, कर्म पुरुषार्थ भी पूरा, पूर्णमदः पूर्ण विरम के साथ। अहंकार की तापत में था अपने सन्मुख धरना हो, अहंकार की तापस मिथ्या अपने सम्मुख धरना, समदृष्टि दे पकले कर में, समदृष्टि दे पकले कर में, जनमन ज्योति भरना ओ जोगी, जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना। जीव जगत के पाप निगल कर, मुझे महाराज श्री के आश्रम में सैकड़ों पेड़, हजारों पुष्प,
हम बालक थे, हमने पूछा भगवान जी कहाँ मिलेंगे, बोले सब में भगवान जी तो है, भगवान की सेवा और है कि क्या। देखो ये भक्त की दृष्टि, भोगी को कहीं भगवान दिखता ही नहीं है और योगी को भगवान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। कण कण में भगवान नहीं है, कण कण ही भगवान है। ओम सर्वम खरिदम ब्रह्म। ये पेड़ पौधे देखो, ये कितनी बड़ी महिमा उस प्रभु की, पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को और हजारों प्रकार के पुष्प यहाँ भी पूज्य मुक्तानंद जी महाराज जी ने लगाए हैं। विष्णु कर्माणि पश्यत, देखो तो सही, तरवत की तरह जियो, जीव जगत के पाप निकल कर तरवत छाया करना, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में धर्म मेघ बन झरना। ये धर्म मेघ समाधि है, जैसे माँ के उर में दूध होता है तो जब तक वो बच्चे को पिला नहीं देख उसके मन को विश्रांति नहीं मिलती। माँ को उस समय समाधि का सुख मिलता है जब अपने उर से बच्चे को दुग्धामृत का पान कराती है। ऐसे साधक का परोपकारी जीवन हो लेकिन उसमें अहंकार का भाव ना हो, मैं सुधार कर रहा हूं ये भाव नहीं, मैं किसी का उद्धार कर रहा हूं ये भाव नहीं, मैं तो अपने योग धर्म का, स्वधर्म का, भगवान के नाते निमित्त मात्र होकर के अपना कर्म कर रहा हूं। ओ जीव जगत के पाप निगल कर पर्वत छाया करना, ओ जीव जगत के पाप निगल कर पर्वत छाया करना, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में धर्म मेघ बन झरना, ओ जोगी जोग जुगत से कर, ओ जोगी जोग जुगत से कर। ये है योग की युक्ति। आत्म गंग तन तीर तरंगित हृदय घाट उतरना, हो आत्म गंग तन तीर तरंगित हृदय घाट उतरना, हो अभिषेक आत्म ओ अभिषेक कर करना, निर्भय चारों फूट बिचरना, निर्भय चारों फूट बिचरना, जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से कर, ओ जोगी ब्रह्म विहार बिचरना, ओ जोगी ब्रह्म विहार बिचरना, ओ जोगी जन्म न ज्योति भरना, ओ जोगी जन्म न ज्योति भरना, ओ जोगी धर्म मेघ बन झरना, ओ जोगी धर्म मेघ बन झरना, ओ जोगी जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत। ये योग की युक्ति और इसी से रोग मुक्ति है। इस योग युक्ति से ही क्या बोलो, रोग मुक्ति, सर्व रोग मुक्ति, सर्व रोग निदान समाधान। भस्त्रिका पूरा किया आपने मेरे साथ साथ, तुम थोड़ी देर करते हो और वो भी मुंह में बिगाड़ के थोड़ा सा करते हो, फिर अब ना होता।
इतना थोड़ी ना होता है बाबा जी। जब तीन तीन पांच पांच किलो राशन पाड़ते हो, सुबह से शाम तक चरते रहते हो, तब नहीं कहते कि नहीं खाया जाता, नहीं भोगा जाता। भोगों में तो ऐसे पागल हो के दीवाने होकर लगे रहते हो। पगलो करो कपालभाति, ये पागलपन छोड़ो। हर पर भगवान के अंग संग जीना और प्रभु से ही कहना, हे प्रभु आपकी शरण आ गया, मेरा रोग हरो, मेरा दुख दारिद्र्य नैराश्य कुंठाएं हरो प्रभु, हरि शरण प्रभु मैं आपकी शरण। हरि इसीलिए कहे गए, हरति रोगान दुखान क्लेशान, हरति पापान सहरी, जो सारे रोग शोक दुख संताप हर लेते हैं वो हरि है। हे नारायण हे हरि मैं आपकी शरण आ गया। और एक क्षण में अब ये श्रद्धा का तिरेक पाप के भीतर होना ही चाहिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्ताः प्रणश्यति, तेषाम् अहम् समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा, भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसा। श्रीमद्भगवद्गीता वेद, अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवे विरुत्मानुषेभिः, यं कामये तं तमुग्रं कृणामि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधा। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। प्रभु से एक बार प्रार्थना तो करो अंतर मन से गहराई से, और एक क्षण में रोग ऐसे मिट जाएंगे, कष्ट कट जाएंगे। कष्ट आते ही कटने के लिए, संकट आते ही मिटने के लिए। एक बार अंतर की गहराई से प्रभु तेरे सिवा और कोई नहीं पूजा, तेरी ही पूजा, तेरा ही तेरा ही मनन प्रभु, आप ही सब रोगों से दुखों से उभारो, आपकी शरण। तो बहुत ठोकरे खाए, बहुत धक्के खाए, न जाने कितने जन्म जीवन बीत गए प्रभु, अब तो उद्धार करो, अब तो स्वीकार करो आपकी शरणागत। तो यह शरणागति आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्यति विश्वास, रक्षिष्यति विश्वास आह गोत्रित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षडधा शरणा, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, अपने पन ही करो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी
नरसी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। देखो ऊपर ऊपर से देखोगे तो जगत में तीन तत्व दिखते, सत्व रजस तमस का, त्रैत का, ये जो पूरा सृष्टि चक्र है, एक प्रकृति, हम सब आत्माएं और हम सब का आराध्य परमात्मा, लेकिन मूलतः तत्वतः परम तत्व तो एक ही है, एक जीव एक ब्रह्म कहावत, एक जीव एक ब्रह्म कहावत। ये त्रैत द्वैत अद्वैत के ये सिद्धांत मुझे समझ में नहीं आते, बस मुझे तो प्रभु एक ही बात समझ में आती है, मैं आपका हूँ आप हमारे, मैं थारा हूँ थे मारे हो प्रभु। ओ एक जीव एक ब्रह्म कहावत, एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम जगरो जगरो, अब की बेर मोही पार उतारो, अब की बेर मोही पार उतारो, नहीं पन जात करो, नहीं पन जात करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। आप रोज आरती गाते हो, तुम्हारे रोग संकट मिटने में कितना समय लगता है? ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय दीननाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे, जय जगदीश हरे क्षण में दूर करे, जो ध्यावे पल पावे, जो संकल्प करोगे प्रभु संकल्प से सिद्धि तक ले जाते हैं, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, रोग मिटे तन का स्वामी, कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, मातो पिता तुम मेरे, शरण गहु मैं किसके स्वामी, शरण गहु मैं किसके, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी, ओ जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम रक्षा करता, मैं सेवक तो स्वामी, मैं सेवक तो स्वामी, कृपा करो करता, ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम ठाकुर मेरे, अपने शरण लगाओ, अपने हाथ बढ़ाओ,
चरण पड़ा है तेरे, जय जगदीश विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी, रोग हरो स्वामी कष्ट हरो देवा। आइए आप भी सब गाइए, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा हो, जय जगदीश हरि हो, जय जगदीश हरि स्वामी, जय दीनानाथ हरि, भक्त जनों के संकट दास जनों के पाप गुण शर्मे दूर करे, ओ जय जगदीश हरि, ओ जय जगदीश हरि स्वामी, जय दीनानाथ हरि, भक्त जनों के संकट दास जनों के पाप गुण शर्मे दूर करे, ओ जय जगदीश हरि, ओ जय जगदीश हरि, ओ जय जगदीश हरि, ओ जय जगदीश हरि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे भगवान की चरण शरण में रहना, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम। एक अनुष्ठान की तरह किए जा रहे, ऐसे जब भगवान के साथ पूरे एकात्म होकर के, लंबा श्वास लेना, लंबा छोड़ो, एक श्वास एक क्षण में प्रभु हमें रोगों से, दुखों से, कष्टों से, अंधेरों से बहुत दूर ले जाए। ओम सतु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु नमा अमृतम गमय। हे आपकी शरण, आप मुझे सब रोगों से, कष्टों से, दुखों से उभारो प्रभु। ऐसे अनुलोम मिलो, प्रभु शरणम, हरि शरणम, गुरु शरणम, प्रभु आपकी शरणम। संकल्प से चलता है पूरा पारमार्थिक जगत, इसलिए मैं कह रहा था अपना पुरुषार्थ तो पूरा करना और फिर प्रभु से प्रार्थना, और प्रार्थना की शक्ति अपार है। फिर इस संसार के सारे मैथमेटिक्स, सारी फिजिक्स, सारी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब फेल हो जाती है एक क्षण में। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति में गच्छ कौन ते प्रति जाने नाने प्रणश्यति नहीं कल्याण कृत कश्य दुर्गति दादगच्छ तेषां अहम समर्थः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं सर्वपापेभ्यो कष्टेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। हर्षास के साथ ओम का मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम लीजिए।
ओम ओम का चिंतन, तेरा राम जी करे बेड़ा पार उदासी मन का है। किस बात का भय, किस बात की चिंता। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश यज्ञश्च स्वाध्यायस् तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्याग शांतिरपैशनम दया भूतेशरूपत्वमार्दवम् धीर चापनम् तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहनाति मानिता भवन्ति संपदम दैवीम् अभिजातस्य वाम् यत्र योगीश्वरः कृष्णः यत्र पार्थः धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर् मतिर्। ऐसे भगवत शरणागति में अनुलोम विलोम, जिनको ऐसा लिया मैं ऑटोमेटिक डिजीज, हार्ट की प्रॉब्लम, बड़े रोग है, आंखों की रोशनी चली गई है, जीवन में चारों ओर अंधियारा ही अंधियारा है, थोड़े दिन सब कुछ भुला करके, विसार के, सब कुछ से डिटेच होकर के अनुलोम विलोम करो। ये बात मुझे बहुत गहरी कहनी है आपसे। कोई भी रोग हो, कल मैं उस रूबी बेटी से बोल रहा था, बेटा तेरा 112 किलो वजन हो गया, जब तू 60 से 65 हुई, 65 से 70, 75, 80 हुई, तब तेरे को दिखा नहीं कि बढ़ रहा है। बोले बाबा जी दिखा तो था, बस अनदेखी कर दी। क्या कर दी बोलो? अनदेखी। अरे देखी करना, इग्नोर करना, लापरवाह, किसी भी रोग की अनदेखी नहीं करना। मोटापा जैसे ही बढ़े तुरंत उस पर अंकुश लगाओ। मन इधर उधर जैसे ही जाए उस पर अंकुश लगाओ। मनमानी मत करो, मडड़ा थारे मत चलो, मनड़ा थारे मत चलो तो सीधो नरक ले जाए रे। मन मारा था ना, कई विधि समझो ना, धीरे धीरे मोड़ तो इस तन को, इस मन को, इस जीवन को भगवान के, मन मोड़ा फिर डर नहीं। जैसे ही मोटापा बढ़े साधु सावधान, 1-2-5 किलो बढ़े, वेट मशीन घर में रखा करो। 5 किलो तो ज्यादा हो गया, मैंने तो कभी 1 किलो से ऊपर जाने नहीं दिया। जैसे ही गया मैंने कहा वापस आ इधर, अपने रोग बीमारी से तेरी हिम्मत कैसी हुई, तू मुझे कष्ट देगा? मेरे भीतर राक्षस असुर मेरे शत्रु, तू पनपेगा? अपने घरों में शत्रु पालने जैसा काम है मोटापा पालना, बीपी को, शुगर को, अर्थराइटिस को, अस्थमा को, लीवर किडनी की बीमारी को, एसएलएमएस ऑटोमेटिक डिजीज कैंसर जैसी बीमारी को, कोई भी रोग को छोटा मत समझो। ये शत्रु शत्रु होता है, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, दुश्मन दुश्मन होता है, बैरी बैरी होता है। ये मोटापा, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, ये अर्थराइटिस, ये वात, ये पित्त, ये कफ, ये लिवर किडनी की, पेनक्रियाज की बीमारियां, ये इनफर्टिलिटी और तमाम तरह की बीमारियां, हड्डियों की कमजोरी, चमड़ी की बीमारी और न जाने क्या, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, आंख नाक कान गले की बीमारी, नसनाड़ियों की बीमारी, हर रोग शत्रु है, महाशत्रु है, विध्वंसक है, ये डिजास्टर है। ये तुम्हें रोग दुख की ओर, मौत की ओर ले जाने वाली, तुम्हारे रोगास्तस्य अपहरता है। ये रोग तुम्हारे आरोग्य का, तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे ओज तेज का क्षरण करने वाले और मौत के मुंह में धकेलने वाले। रोग में और डेथ में, डिजीज आर डेथ, रोग मृत्यु है। इनको संभाल के नहीं रखना, इनको पाल पोस के नहीं रखना, इनको अपने भीतर पनाह देना, न देना
जैसे ही पता लगे पत्ता साफ करो, पनाह मत दो नहीं तो बेपनाह बढ़ेंगे। इसलिए समझदार भाई बहन है, जो जैसे ही पता लगा बीपी का, शुगर का, थायराइड का, अस्थमा, आर्थराइटिस का, फैटी लिवर, लिवर सेल्स, लिवर फाइब्रोसिस का, जैसे ही पता लगा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, जैसे ही पता लगा हार्ट में ब्लॉकेज है, जैसे ही पता लगा अभी तो शुगर आई है, फिर शुगर के बाद रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी आएगी, अभी तो बीपी आया, फिर ब्रेन हेमरेज होगा, फिर हार्ट अटैक होगा, किडनी फेलियर होगी, भाई ऐसा ऐसा बखेड़ा क्यों करना? ये सिंथेटिक दवा ले लेकर के तुम अपने शरीर के साथ क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, जाति कर रहे हो, ये आत्मघात है भैया, इनको हटा दो। डिजीज को कोई मेंटेन करके रखा जाता है? एलोपैथी में जितनी भी दवाइयां हैं वो डिजीज को मेंटेन करने के लिए, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, और इसको हम विज्ञान कहते हैं, इस अज्ञान की पराकाष्ठा है। हम बीपी को मेंटेन कर रहे हैं, शुगर को मेंटेन कर रहे हैं, पेन किलर स्टीराइड बायोलॉजिकल लेके पेन को मेंटेन कर रहे हैं, हम सर्जरी करा के, रेडिएशन, क्यूमो करा के कैंसर को मेंटेन कर रहे हैं, और हम लोग भी कितने मूर्खतापूर्ण इन बातों को बड़ी होशियारी और समझदारी की बात मान करके गर्व से कहते रहते हैं, आई एम ए कैंसर सर्वाइवल। तू कैंसर सर्वाइवल कब से हो गया? बीमारियों के साथ सर्वाइव करना, ए बावड़े। मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूं, मैं स्वभाव से रोगी नहीं हूं, क्या हूं मैं? स्वभाव से योगी हूं। अब थॉट प्रोसेस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न मेडिकल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस। वो कहते हैं तुम एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी, माना के भौतिक दृष्टि से सत्य, लेकिन पारमार्थिक सत्य क्या है, वास्तविक सत्य क्या है, सनातन शाश्वत सत्य क्या है? रोग आपका स्वभाव नहीं। माना कि सब शरीरों में सब रोग पैदा होने की संभावना है, संभावना है, लेकिन योग आपने अपना लिया, न तस्य रोगो न जरान मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम। योग को, आयुर्वेद को, पंचकर्म को, षटकर्म को अपनी सनातन आध्यात्मिक आयुर्वेदिक नैसर्गिक जीवन पद्धति को आत्मसात करो। ये हिंदू सनातन वैदिक जीवन पद्धति, ये चिकित्सा पद्धति भी है, ये जीवन पद्धति भी है, ये रोग मुक्ति का भी मार्ग है, ये जीवन मुक्ति का भी मार्ग है। अनुलोम विलोम पूरा करो, इसलिए रोगों को पाल पोस के नहीं रखना। दुखदाई होंगे भोग सभी जो ईश्वर को बिसराएगा, रोगों की गिरकर खाई में, भोगों की गिरकर खाई में, ठोकर पर ठोकर खाएगा, पछताएगा, फिर हाथ कछु नहीं आएगा। इसलिए ओम ओम जपो, अपना योग करो, कलयुग केवल योग अधारा, करत करत नर उतर ही पारा, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। क्यों कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस कर ही सो ताई फल चाखा। लेकिन ये सब कैसे करना? सन्मुख हो ये जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही। गुरु भगवान को 24 घंटा सन्मुख रखना। मैं हर पल ऐसे ही जीता हूं, माने खाली भाषण प्रवचन नहीं कर रहा हूं, मैं हर पल ऐसे ही जीता हूं, मैं गुरु भगवान के अभिमुख हूं, सन्मुख हूं। सन्मुख हो ये जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही। आप व्यास से ये संकल्प रखना, मैं 24 घंटे गुरु भगवान के सन्मुख हूं, अभिमुख हूं। राम कृपा नाश ही सब रोगा, जो यही भांति बनही संजोगा। राम जी की कृपा से तेरे सारे रोग, सारे कष्ट, दुख मिट जाएंगे। बस 24 घंटे भगवान को अपने सन्मुख रखना, और जो अंतरात्मा में राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी, भगवान जी प्रेरणा देते हैं वही करना।
ओ राम कृपा नाशय सब रोगा, जो यही भांति बनई संयोगा। ओ सन्मुख हो ये जीव मोहि जरहि, सन्मुख हो ये जीव मोहि जरहि। जन्म कोटि अघनाशहि तब, जन्म जन्मांतरों के कोटि कोटि अवराध रोग दुख क्लेश कष्ट सब कट जाएंगे, मिट जाएंगे। लेकिन ये विवेक तो हो, बिना सत्संग विवेक न होई, हो बिनु सत्संग विवेक न होई, कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और राम जी की कृपा हो गई तो फिर सभी की कृपा हो गई। जा पर कृपा राम की होवे, ता पर कृपा करई सब। और यहाँ तो हम इधर उधर ठोकरे खाए फिर रहे हैं, कहीं मजारों पर मत्था टेक रहे हैं, कहीं इधर उधर पगलाए हुए हैं शनि की दुराहु भूत प्रेत के चक्कर में। मेरे भाई बहन, सारा भूत भविष्यत वर्तमान, सारे ग्रह नक्षत्र, सारा ब्रह्मांड तेरे पिंड में, और वो स्वयं ब्रह्म तुम्हारे भीतर, ये तुम ही ब्रह्म हो। तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। इसलिए सारा ब्रह्म छोड़, उस ब्रह्म से जुड़, एकम ब्रह्म, द्वितीयम नास्ति, दूसरा कुछ है ही नहीं। ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म, दाता एक राम बिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम बिखारी सारी दुनिया, ओम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया। तुम राम कहो, ओम कहो, ओंकार कहो, कृष्ण कहो, घनश्याम कहो, हनुमान कहो, शिव कहो, भगवान कहो, भगवती कहो। ओम एक देवता पुजारे सारी दुनिया, पुजारे सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारे सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारे सारी दुनिया, दाता एक राम। द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकार था, परम कृपा से अपने भव से उबारता, परम कृपा से अपनी भव से उबारता। ऐसे दीनानाथ पे, ऐसे दीनानाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, ओम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, प्यारे भगवान का तू दर्शन पाएगा, प्यारे भगवान का तू दर्शन पाएगा। ज्योति से जिसकी है, ज्योति से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया, उजियारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। ओ दो दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, दो दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, कर ले विचार।
विचार तू प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू मन में निहार तू बिना हरि नाम के बिना हरि नाम के दुखिया रे सारी दुनिया दुखिया रे सारी दुनिया ओ बिना हरि नाम के अंधियारी सारी दुनिया दुखिया रे सारी दुनिया दाता एक राम दिखारे सारी दुनिया दाता एक राम दिखारे सारी दुनिया ओम एक देवता पुजारे सारी दुनिया पुजारे सारी दुनिया दाता एक राम दिखारे सारी दुनिया दाता एक राम एक राम भिखारी सारी दुनिया बिना हरि नाम के अंधियारी सारी दुनिया दुखियारी सारी पहली अंगुली माथे पर प्रभु की चरण शरण में ऐसे भक्ति भाव से जब आएंगे पूरे एकाग्र चित्त होके जो प्रारंभ में कहा था प्रसन्न चित्त होकर शरणागति प्रभु आपके शरण में हो रोग हरो दुख हरो प्रभु आप ही सब कष्ट हो पार करो मौन शक्तिपात ध्यान जब रोग कष्ट
दुख, अंधेरे, संकट चारों ओर से घेर ले। ऐसा लगे कि अब तो चारों ओर से मौत ही दिख रही, कहीं कोई राह नजर नहीं। तो प्रभु से ही प्रार्थना करो, प्रभु आपकी शरण आ गए, आप सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानो, सर्वशक्तिमान हो, सब कुछ करने में समर्थ, परम दयालु, परम कृपालु। और ज्यादा लंबी चौड़ी प्रार्थना ना आए तो बस यद अग्नि श्याम अहम त्वम त्वम वाघा स्याहम स्यूष्टि सत्याह इहाशिष। प्रभु मैं आपका हूं, मैं थारा हूं, थे मारे हूं, प्रभु मैं आपका हूं, आप हमारे हो। आई एम योर्स, यू आर आवर, प्रभु आप हमारे, आप ही राह दिखाओ, आप ही रोग कष्ट मिटाओ, आप ही संकट काटो, संकट मोचन नाम तिहार। ऐसे भगवान के आशीषों से, करुणा से अभिषिक्त होकर के, और जो भी कष्ट है प्रभु चरणों में ही निवेदन करना, दुनिया के सामने मत रोना दो। ये दुनिया बड़ी बेगानी है, तुम्हारी आंखों में आंसू देख करके सामने थोड़ी सहानुभूति दिखाती, पीठ पीछे से हंसती है। इसलिए जब जीवन में ऐसा लगे कि कोई नहीं नजर आ रहा है, प्रभु आपका आश, आपका सहारा, आप उद्धार करो मेरे रोग दुख कष्ट दारिद्र्य हरो, प्रभु आपकी आश शरण आ गए। प्रभु शरण, हरि शरण, श्री कृष्ण श्री राम शरण। ओम यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, ये सारा विश्व प्रभु आपके वंदन, आपके वश में, आपके विधान से ही सब कुछ संचालित, आपका नाम ही परम औषधि। सारी औषधियां वनस्पतियां, चाहे वो निसर्ग की औषधियां या सिंथेटिक औषधियां मेडिसिन, सब आपने रचाया बसा। ये तो वायवानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्र यन्त्यं संविशन्ति तन्मे जिज्ञासस्य तत् ब्रह्म। ऐसे इसको शक्तिपात ध्यान कहो या शरणागति ध्यान कहो, दोनों हाथों को पर उठा ले, बस अकिंचन हो करके, अकिंचन हो करके ऐसे भगवान की शरणागति में लंबा प्राणायाम करना। पैरों को सामने खोल लो तो आपको लगभग 2 घंटे हो गए। आते ही मैंने बोला था पसीना बहाओ और समग्र योगाभ्यास, अकेला व्यायाम, अकेला आसन प्राणायाम ध्यान भजन नहीं, योग यजन भजन कीर्तन सत्संग स्वाध्याय सब एक साथ इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। और कैसे? क्षिप्त मूड विक्षिप्त चित्त होकर के नहीं, एकाग्र चित्त होकर के। क्या बोला था बोलो? एकाग्र चित्त होकर, प्रसन्न चित्त होकर के, अंतर्मुखी होकर के गुरु भगवान की शरणागति में योग करना। अब मैंने तो ऐसे ही किया, आपकी आप जाने, राह तो हमने बता दिया भाई, जो जाना अनुभव किया। कुछ कहते जी चित्त भगवान में नहीं लगता, तो मैंने कहा किस में लगता है? बोले परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में। मैंने एक से पूछा भाई सच्ची बात है? बोले जी सच्ची तो नहीं है, जब ऑफिस में जाते हैं तब घर की याद आती है, घरवाली की याद आती है, वहां से फोन करते हैं माय डार्लिंग आई एम मिसिंग यू। पत्नी बोलती है क्यों धोखा दे रहे हो मुझको, जब मेरे सामने थे तब बोल रहे थे मुझे ऑफिस में जाना है, बहुत काम है मेरे ऊपर। मैं बोल रही थी बार बार आई लव यू, तब आपने आंसर ही नहीं दिया। आदमी इतना बावला है, घर में जाता है
घर में रहता है तो ऑफिस दिखता है, ऑफिस में जाता है तो घर दिखता है, बच्चे दिखते हैं, पत्नी दिखती है। पगला पगला ऐसा घूमता रहता है, बावला बावला सा। इसलिए भजन गाया साधु, क्या सो हुए उठ जाग बावरे, योग करण में ईश भजन में प्रभु भजन में लाग बावरे। खैर आज तो भजन खूब सुनाए, आनंद आया, बहुत आनंद आया। ऐसे भजन के साथ, लगन के साथ योग करना, इतने साधु संतों के वचन भजन सत्संग। लोग तो एक सेशन लेने के लिए लाखों करोड़ों रुपए देते हैं विदेशों में, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने के लिए। आई एम योग गुरु सारी दुनिया कह रही है, उसके बाद मैं तो खाली हंसी मजाक में बोल रहा हूं। आई एम मोटिवेशनल गुरु, मैं तुम्हारा योग गुरु भी हूं, तुम्हारा मोटिवेशनल गुरु भी हूं, तुम्हारा हेल्थ गुरु भी हूं। क्या बोलते हैं आजकल, घर का जो डॉक्टर होता है, फैमिली डॉक्टर भी हूं, तुम्हारा गुरु भी हूं, और पिता की तुम्हारी रक्षा करता हूं इसलिए तुम्हारा बाप भी हूं, और बहुत प्रेम करुणा करता हूं आपसे इसलिए दाढ़ी मूछ वाली मां भी हूं तुम्हारी। जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनको पिता तुल्य मान के, मां समान मान करके, मां का ही, भगवती मां का ही स्वरूप मान के उनकी सेवा करता हूं इसलिए मैं तुम्हारा पुत्र भी हूं, और तुम्हारा मित्रवत में उभारता हूं। मित्र वो है जो पाप से, रोग से, दुख से बचाए और धर्म के पुण्य के मार्ग पर चलाए, इसलिए मैं तुम्हारा मित्र हूं। सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति ही सन्नो विष्णु रुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो हूं मैं तुम्हारे लिए। मेरी बात मान लो, बोले बाबा जी मानते तो हैं, यहां तो मान लेते हो, यहां तो पाबंदियां लगा रखी है। असली बात तब है जब घर जाके मानो, घर जाके मनमानी नहीं करोगे ना, बोलो। मन की मनमानी छोड़ो, तुम योग की राह पकड़ लो, प्रज्ञा की राह पकड़ लो, वेदों की राह पकड़ लो। पूज्य हमारे श्री राम शर्मा जी बहुत बोल ये भजन गवाते थे, मन की मनमानी छोड़ो। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम उभरेंगे जग उभरेगा। चलो किया तुमने पूरा, ये तो थोड़ा सा हल्के फुल्के व्यायाम कराए। अच्छा बताओ, तुमको थकने दिया मैंने, रुकने दिया? अखंड योगाभ्यास क्या किया बोलो? बोलिए आपके साथ में होते हैं तो वक्त का पता नहीं लगता, तो मेरे साथ रहा करो सुबह सुबह, सुबह सुबह फिक्स कर लो 5 से 7 अपने गुरु के साथ रहना है। आप मुझे पुत्र मानो, मित्र मानो, गुरु मानो, भ्राता मानो, जो मानो, जो नाम रूप स्वरूप तुम्हें तुम्हारी भाव चेतना के अनुकूल दिखता है वो मानो, लेकिन अपनी मनमानी मत करो। मैं मनमानी करता तो यहां ना होता, मैंने मनमानी नहीं की, मैंने गुरु की मानी, शास्त्र की मानी, जो गुरुवाणी में, वेदवाणी में गुरु नानक देव गुरु गोविंद सिंह जी ने जो अग्नि वायु आदित्य अंगिरा आदि ऋषियों ने, ऋग यजु साम अथर्वेद में संश्रुतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधिसी सब नर कर ही परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अल्प आयु नहीं केवनु पीड़ा सब सुंदर सब विरुज शरीरा दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज नहीं। सूक्ष्म व्यायाम कर लो, काहु ही व्याप, ये राम राज है। अब राम राज्य के नाम पर बहुत राजनीति चल रही है, बहुत मामला गड़बड़ है। कई बार मैं सोचता हूं, मैं अपने दिल की अभी 1% बात कह रहा हूं, 99% तो दबा के रख लेता हूं, बहुत अंधेरा है।
सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, गुरु बिन हरि बिन जग अंधियारा, साधो जाने का जान नहारा। बहुत अंधियारा है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से। अच्छा देखो कितने बावले, बोले हमको मेहनत नहीं करनी। इतनी मेहनत कौन करे? बाबा कहते हैं मंडूक आसन करो, पवन मुक्तासन करो, भुजंगासन करो, मरकटासन करो। कमर में दर्द है तो भुजंगासन, मरकटासन, डायबिटीज है तो मंडूकासन कर लो। बच्चों जिनको डायबिटीज है मंडूकासन लंबा करो, मंडूकासन आर्य देव जी, पवन मुक्तासन आनंद देव जी करो, लंबा करो। जिनको कमर में दर्द है भुजंगासन, मरकटासन लंबा। बोलो कौन मेहनत करे इतनी? बाकी शेष अनुलोम विलोम कराएंगे अभी। बोला हमको मेहनत नहीं करनी, हम तो गोली खा लेंगे, लाल पीली काली हरी। देखो ये आजकल के कुछ लिटरेट इडियट लोगों की का इडियट पना, मूर्खता की हद देखो। मेहनत कुछ नहीं करो, बस गोली खाओ, और जो जिंदगी मेहनत, जिंदगी भर मेहनत करके खून पसीना बहा के जो पैसा कमाया वो हम हमारे यहां धर जाओ। मेहनत मत करो, कौन इतनी मेहनत करेगा? जिंदगी भर जो तुमने सेविंग की, पैसा कमाया नौकरी धंधा करके, जब मीटर शुरू होता है ना दवाओं का, हॉस्पिटल का, डॉक्टर्स का, तो 10 20 लाख 50 लाख करोड़ों रुपए की सेविंग 5-10 दिन में, 1-2 महीने में धरी की धरी रह जाती है। और हम कितने मूर्ख हैं, कितने नादान हैं, कितने अविवेक, कितने लापरवाह हैं। हाँ, मूर्ख कहने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लापरवाही तो है ही, कितने इग्नोर करते हैं। पैसा कमाने के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक कितना हो गया, 12 घंटा जी ताड़ मेहनत करेंगे। और इनसे ये कह दो ना 10 मिनट ये कर लो प्राणायाम। हाँ जी इतनी मेहनत कौन करे? अरे तू वहां तू मेहनत कर, 8 से 8 बजे तक 12 घंटा घमासान बचा हुआ है जिंदगी में, रात को सपने में भी व्यापारी करता रहता है। एक तो पसीने से लथपथ होकर के उठा, मैंने कहा क्या हुआ? बोल फैक्ट्री में आग लग गई, शेयर मार्केट डाउन हो गया, चोरी हो गई, पत्नी छोड़ के चली गई, गड़बड़ की होगी। जो जागृत अवस्था में पत्नी के इतर किसी अन्य की तरफ दृष्टि रखते हैं तो पत्नी सपने में छोड़ के चली जाती है। सपने भी सच होते हैं, सारे सपने झूठे नहीं होते। हाँ स्वप्न में हुआ दृष्टांत भी, उस समय तुम बिल्कुल अपने चेतना की गहराई में होते, सुसुप्ति अवस्था के बाद जब स्वप्न आता है तो सच होता है वो। तुम्हारी आंखें खुली हो, आंखें बंद हो, जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था में तुम्हें कोई रोग ना हो, कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो, कोई पीड़ा ना हो। कुछ तो सपने में मर जाते हैं और जब जब अर्थी उठाने के होते हैं तब आंखें खुलती, मैं मर गया। फिर कुछ ऐसे सपने आते हैं, कुछ हवा में उड़ते रहते हैं, जिनका वात बहुत अधिक बढ़ जाता है ना तो ऐसे उड़ते, फिर कहीं लैंड कर जाते हैं। ये क्या हुआ, मैंने उड़ना कब से सीख लिया मैंने? जब वात बढ़ जाता है तब सपने में उड़ते रहते हैं, जब पित्त वात बढ़ जाता है तब घर में फैक्ट्री में कहीं ना कहीं आग लगती रहती है, पित्त बढ़ जाता है। जब कफ बढ़ जाता है तब तुम दौड़ते हो, दौड़ा नहीं जाता और पीछे से कोई शेर भगेरा आके हाथी आकर के और फिर तुम्हें मारता है। वात पित्त कफ दोष बढ़ जाए तब अलग तरह के सपने आते हैं। जब तुम्हारे तन में, तुम्हारे मन में, चित्त चेतना में जब विकार होते हैं अलग अलग प्रकार के, इस स्वप्न विज्ञान बहुत बड़ा है, किसी दिन बात करेंगे तो आपको बड़ा इसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। सपने तो सपने ही होते हैं। कपालभाति अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम करो,
स्वप्न में भगवान का दर्शन हो। देखो भगवान के दृष्टांत तीन तरह से होते हैं, एक तो ध्यान में भगवान का दृष्टांत होता है, एक खुली आंखों से भी भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान के और गुरु के, गुरु नानक देव जी के, गुरु गोविंद सिंह जी के, आपको एक बात बहुत गहरी बताता हूं, जितने भी महान गुरु हुए हैं उनका देहपात नहीं हुआ, संसार की लीला के लिए वो समेट भी लेते हैं। और जितना मुझे बोध है अध्यात्म का, गुरु मुख से सुना है, श्रुति परंपरा से सुना है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान हनुमान, शिव, ये गुरु, गुरु गोविंद, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, इनका देह नहीं मिला, जो उन्होंने तो जीवन लीला समेट ली, लीला करनी थी वो कर गए, उसके बाद उनका देह नहीं मिला, मीरा का देह नहीं मिला, गुरु नानक देव जी के दोनों पुत्रों का देह नहीं मिला, श्रीचंद्र भगवान और दूसरे का नाम चित्त से उतर गया, जो भी। तो कहने का तात्पर्य, जब हमारी श्रद्धा की पराकाष्ठा होती है, अब ये जो अविवेकी लोग हैं, अश्रद्धालु लोग हैं, जिनको अभी जगत ही समझ में नहीं आया, तो जगदीश्वर कहां से समझ में आएगा, उनको ये बात काल्पनिक लग सकती है। लेकिन जैसे आंखों से हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, ऐसे ही राम के, कृष्ण के, हनुमान के, शिव के, पार्वती के, भगवती के, भवानी के, गुरु नानक देव के और तमाम जो गुरु हैं, जो गुणातीत भावातीत महापुरुष हुए, उनके दर्शन होते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन, फिर समाधि में दर्शन, और फिर स्वप्न में दृष्टांत। तीनों में से कोई भी दृष्टांत आपको भगवान का हो तो समझ लेना आपके रास्ते, आपके द्वार अध्यात्म के लिए खुल गए हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आप ऐसे भगवान में चित्त लगाओ, तुम्हारा चित्त भगवान में लगा रहे, जो आज आपको पूरी दो घंटे सिखाया, एकाग्रता हो चित्त में, प्रसन्नता हो और शरणागति का भाव हो, फिर कोई अभाव नहीं रहेगा, अभाव का अभाव हो जाएगा और एक क्षण में आप रोग कष्ट दुख से उभर जाएंगे। एक क्षण में संकल्प मात्र से काम करता अध्यात्म जगत, और कैसी कृपा बरसती, अनंत अजस्र अहेतु की कृपा। इसीलिए तो जो अलग अलग आपने जो भजन सुने, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई ते, कहे नानक मुख ते जो बोले यहां उहां सच हो, जो तुमने संकल्प मात्र किया बस पूर्ति हो, प्राप्तम प्राप्ति। संकल्प से सिद्धि होती है, यह अध्यात्म की यात्रा है, लेकिन इसके लिए आचरण की शुद्धता, हृदय की पूर्ण पवित्रता, अपने भीतर पात्रता पूरी होगी तो कृपा पूरी घटित, इसलिए कृपा पात्र आप होते हैं, कृपा उन्हीं पर घटित होती है जिनमें पात्रता, पात्रता तो पैदा करनी पड़ेगी। ये कृपा फिर, हाँ ये टीवी पर आने वाले कुछ बाबा रसगुल्ले में, गुलाब जामुन में कृपा करते हैं, कृपा दरबार लगा के बैठ जाते, बोले बाबा जी वो रसगुल्ला तो खाया, कृपा हुई नहीं। बोले किससे खाया था? बोले लाल चटनी से खाया था। बोले इस बार हरी चटनी से खा लेना। ये कृपा का कारोबार नहीं है, कृपा तो मैंने कहा आचरण की शुद्धता, हृदय की पवित्रता, पात्रता पहले फिर कृपा होगी, कृपा पात्र होगी। तो अध्यात्म के सारे रहस्य आपको बता दिए, अनुलोम मिलो, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा,
तुम करो योग अभ्यास अमृत बरसेगा बरसेगा नित बरसेगा बरसेगा नित बरसेगा तुम करो योग अभ्यास अमृत बरसेगा तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा ओम नाम का अमृत प्याला राम नाम का अमृत प्याला पीले बन कर किस्मत वाला ओ पीले बन कर किस्मत वाला यह मिले न बारंबार अमृत बरसेगा यह मिले न बारंबार अमृत बरसेगा तुम करो उसे प्यार अमृत बरसेगा दया धर्म से प्रीति कर लो दया धर्म से प्रीति कर लो भव सागर से पार उतर लो भव सागर से पार उतर लो तेरा हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा तेरा हो जाए बेड़ा पार योग ज्ञान का पहला गहना योग ज्ञान का पहला गहना कड़वा बोल कभी ना कहना कड़वा बोल कभी ना कहना तुम करो आत्म उद्धार अमृत बरसेगा तुम करो आत्म उद्धार अमृत बरसेगा तुम करो प्रभु से अमृत बरसेगा ओ बरसेगा नित बरसेगा बरसेगा नित बरसेगा बरसेगा नित बरसेगा तुम करो योग अभ्यास अमृत बरसेगा तुम करो योग अभ्यास अमृत बरसेगा तेरा हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा तेरा हो जाए बेड़ा पार हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा यह मिले न बारंबार यह मिले न बारंबार अमृत बरसेगा तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा भगवान की कृपा करुणा प्रेम उसके अजस्र स्नेह धारा बरस रही हम बस अपना अंतरपट उसकी ओर खोल के रखें कहते स्वाति बूंद जब सीप के मुंह में गिरती है तो मोती बन जाता है तो बहुत छोटी सी बात है हम उस प्रभु की अजस्र कृपा से आशीषों से आशीषित हो जाते हैं तो ऐसे दिव्य भाव चेतना के साथ योग अभ्यास करना चलो और अब बैठ के थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लो हाँ। ये तो हमने थोड़ा आपको ये बताया भुजंगासन मरकटासन मंडूकासन पवन मुक्तासन आदि आपने अभ्यास लंबे किया करो और प्राणायाम तो अब देखो ये लास्ट बात आज की आज ये भी मैंने बताया कि बीमारियों को पालना पोषना नहीं पनाह मत देना नहीं तो बेपनाह बढ़ेंगी पता लगती पत्ता साफ करो सब काम छोड़ करके अर्थात जो नितांत आवश्यक कार्य है वो दो चार घंटा छह घंटा कर लेना सुबह से शाम तक मैं इसको शब्द बोलता हूं अखंड योग जब SLMS ऑटोमेन डिजीज पार्किंसंस अल्जाइमर डिमेंशिया कैंसर जैसे रोग हो जाए हार्ट में 90% तक ब्लॉकेज आ जाए लिवर किडनी फेल हो जाए टाइप 1 डायबिटीज हो जाए जब BP शुगर वात पित्त कफ त्रिदोष चर्म रोग बहुत अधिक बढ़ जाए सोराइसिस एक्जिमा लिकोडर्मा ऐसे फैला ही जा रहा है ऐसे बे इंतहा ऐसे कई बार रोग ऐसे बढ़ जाते हैं अरे ये मेरे साथ क्या हादसा हो गया अचानक ये क्या हुआ और ये चारों तरफ पोल्यूशन चारों तरफ बैक्टीरिया वायरस फंगस चारों तरफ वातावरण में जहर तो घुला ही हुआ है एयर वाटर सब पॉल्यूटेड है खान पान सब दूषित है